हमें ये जानना होगा कि वो चाहती का है, का ये सब कर रही है। देखो इंद्रेश, अगर वो वापस लौट कर आई है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यही आखिरी ख्वाहिश लेकर वो दुनिया से चली गई थी, याद है? ये लिए वो तुमसे अपनी मांग में सिंदूर भरवाना चाहती थी। इसलिए अब हमें वो करना होगा जो वो कभी नहीं होने देना चाहती थी। इस सिंदूर की डब्बी हम कमरे से ले आए थे। देखो, अगर हम वो वक्त समय पर नहीं पहुंचते तो शायद तुमने उसकी मांग भर दी होती, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो फिर से कोशिश करेगी अपनी मांग भरवाने की इंद्रेश, क्योंकि यही तो वो चाहती है। पर इससे पहले हीलो सिंदूर और तुम हमारी मांग भर दो। और उससे कहो तुम्हें पाना चाहते हैं इंद्रेश, उसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम हमारे हो। देखो, जैसे ही तुम ये सिंदूर हमारी मांग में भरोगे, उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा, उसका इस दुनिया से अस्तित्व खत्म हो जाएगा इंद्रेश, और हमेशा हमेशा के लिए वो अपनी दुनिया में लौट जाएगी। इंद्रेश, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना मत सोचो और भर दो हमारी मांग। एक चुटकी सिंदूर बबली को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर कर देगा। भर दो हमारी मांग और मुक्ति दिला दो की आत्मा को। इंद्रेश, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और पहचानो कि तुम्हारे समक्ष स्वाति नहीं, बबली है, और ये तुम्हें स्वयं ही समझना होगा। टैग भी फोन नहीं उठा रहे और ये डोर भी नहीं खुल रहे। हे पहाड़ी वाले बाबा, ये कैसी जगह है? हमको तो बहुत डर लग रहा है यहाँ। हम बता रहे हैं, ये स्वाति जहाँ भी जाती है कोई ना कोई बवाल साथ में लेकर जाती है। इतनी रात में हम लोग कहाँ फंस गए हैं? स्वाति को तो हम देखे थे। देवेश जी कह रहे हैं कि स्वाति को ये देखे थे। नहीं नहीं नहीं, ये देवेश जी झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ काहे बोलेंगे लवली भाभी, हम कह रहे हैं कि हमने स्वाति की आवाज सुनी थी, तो उसको बचाने के लिए हम गए। बाथरूम का दरवाजा खोलने वाले थे कि हमको बहुत जोर का झटका लगा, ऐसे लगा जैसे कोई अचानक से हम पर हमला कर दिया। कह रहे हैं कि जगह बहुत खतरनाक है, हम लोग को निकलना होगा यहाँ से जल्दी। हमको भी ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ जानबूझ के फंसाया जा रहा है। वैसे स्वाति को तो हम भी देखे थे इंद्रेश के साथ। एक साथ स्वाति दुई जगह? पहाड़ी वाले पापा, ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक शकल के दुई लोग हो। ये लवली भाभी, स्वाति की शक्ल की तो वो बबलिया थी, वो तो मर चुकी है ना? हे पहाड़ी वाले बाबा, नहीं 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 नहीं, वही वही वही, हम कह रहे हैं बबलिया ही है, वही ही भूत प्रेत आत्मा बन के हम लोगों को परेशान कर रही है, वही 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 है। बबली का मतलब मोहिनी लौट आई है, लेकिन काहे, कैसे? इंद्रेश, इतना मत सोचो, भरो हमारी मांग और खत्म कर दो उसका अस्तित्व। मानो हमारी बात और भर दो हमारी मांग, यही एक रास्ता है उसको मुक्ति दिलाने का, ताकि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। हेलो, पकड़ो और भर दो हमारी मांग, पकड़ो, जल्दी करो इंद्रेश, भरो हमारी मांग, हाँ भर दो। तुमने सारे सिंदूर की डब्बी गिरा दिया, कैसे भरोगे हमारी मांग? मतलब हमें
हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इंद्रेश, तुम इतना सोच कह रहे हो हमारी मांग भरने में। बीवी है तुम्हारी, बीवी की मांग भरने में इतना सोच रहे हो। तुम्हें विश्वास नहीं है का कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत? प्लीज इंद्रेश, हमारी बात मानो, जैसा हम कह रहे हैं ना केस वैसा कर दो, विश्वास करो ना हम पर। कहा तुम्हें अपनी स्वाति पर विश्वास नहीं है? स्वाति, अपने अंतर मन की शक्ति को जागृत करो। तुम इस लड़ाई से लड़ने में सक्षम हो, अपने प्रेम और परिवार की रक्षा करने में सक्षम हो। अपने आराध्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो। हम तुम्हें इंद्रेश और बबली के बीच नहीं आने देंगे स्वाति, जब तक इंद्रेश बबली की मांग नहीं भर देता। और हमारी नकारात्मक शक्तियों के आगे हम भी देखते हैं कि देवी संतुष्टि कैसे मदद करती हैं अपनी प्रिय भक्त स्वाति की। अब वही होगा जो हम चाहते हैं। कर्मशील हो तुम स्वाति, तुम स्वयं का साथ दो, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो। तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। किस पर करेंगे? तुम्हारी पत्नी हो, अगर मगर अगर मगर का समय नहीं है हमारे पास इंद्रेश। जितना वक्त लेंगे ना हम, उतनी हमारे परिवार वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। समझो ना इस बात को। देखो, हम दूसरी डब्बी लेकर आ रहे हैं सिंदूर की, फटाफट से हमारी मांग भर दो और सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो। अपने हमेशा के लिए चली जाएगी हमारी जिंदगी से। हाँ, भर दो। स्वाति, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। और रही बात सिंदूर की, मांग में सिंदूर हम अपने खून से भरेंगे और इससे बड़ा सबूत क्या होगा हमरे प्यार का, हमरे विश्वास का हमरी पत्नी पर। और वो बबली भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भर दो हमारी मांग इंद्रेश, इसी का तो इंतजार था हमें इंद्रेश। स्वयं पर भरोसा रखो, इंद्रेश की सहायता करो और अपने सिंदूर की शक्ति को जागृत करो पुत्री। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां। लॉकेट कहाँ? गिर गया होगा कहीं पर। तुम मांग भरो हमारी। गिर गया होगा और तुमको पता भी नहीं? स्वाति की संतोषी मां का लॉकेट गिर जाए और उसको पता भी ना हो, यह संभव है। स्वाति नहीं हो सकती। तुम स्वाति नहीं हो सकती। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां। जय मां संतोषी। जय मां संतोषी। जय मां संतोषी। बबली हो? हाँ, बबली है।
जवाब नहीं है। इंद्रेश, भूल जाओ उस स्वाति को और अपना लो हमें। इंद्रेश, देखो देखो हम मरकर वापस आ गए तुम्हारे लिए, हमारी मांग भर दो ना, तुम्हारे लिए वापस आ गए हम। ये कभी नहीं हो सकता, हम सिर्फ और सिर्फ स्वाति के हैं और तुमसे शादी भी हम तुमको स्वाति समझकर कर रहे थे। स्वाति, 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 फिर से हमारे बीच में आ गई हो, फिर उसने हमें दूर कर दिया तुमसे, छीन लिया हमें तुमसे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे कोई बात। नहीं करोगी तुम, कुछ भी ऐसा नहीं करोगी, तुम हमारी स्वाति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आए कि हम खड़े हैं उनके सामने उनकी ढाल बनकर। तुम हमारे हो और जो हमारा है ना उनको किसी का नहीं होने देंगे, हासिल करके रहेंगे तुमको हम। ये रात अभी बाकी है। जय मास्टर सिंह, जय मास्टर सिंह। इंद्रेश, पति, तुम ठीक हो ना? स्वाति, 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 आंखें खोलो स्वाति। नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति पर आए समस्त संकट टल गए, देवी पौलमी का ये षड्यंत्र भी विफल रहा। माते, देव ऋषि, संकट अभी टला है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। देवी पौलमी और बबली एक बार पुनः प्रयास करेंगे और वो अत्यंत घातक भी हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है? वहां से कोई रास्ता दिख रहा है, वहां से चलते हैं। हाँ निकलते हैं, यहां से आइए आइए सब, चलो। स्वाति, स्वाति, आपको बोलो स्वाति। आंखें खोलो स्वाति, स्वाति, तुझे माँ का लाख लाख धन्यवाद जो तुमको हो सके। बस अब एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी जब से यहाँ आए हमें जीवन में तूफान आ गया। स्वाति, अभी अभी कोई बात नहीं करेंगे, जो भी सोचना समझना होगा बाहर जाकर करेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। अरे क्या हुआ मुझे भी तो बताओ, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? यार डैड, नथिंग सीम टू बी ओके। बहुत परेशान हो गए चाचा जी, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। बाहर जाना तो छोड़िए, अभी तक हम गेट तक भी नहीं पहुँच पाए। बस आपसे यही की विनती करते हैं, आप किसी भी तरीके से बस एक गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए, ताकि हमको स्वाति को लेकर यहाँ से किसी भी हालत में दूर जाना है। ओए, मेरी गड्डी की चाबी दे। उत्तर जी, अपनी ही कार समझ, तुम दोनों अपना ख्याल रखो, स्वाति पुत्र को कोई तकलीफ ना हो, खुश रहो दोनों। या गाइस, टेक गुड केयर। चलो स्वाति।
जल्दी ही मेन रोड पे पहुंच जाए, लगता है थोड़ी ही दूर है बस। स्वाति जी आप ठीक तो है ना? मतलब ये सब कैसे हो गया? हुआ क्या था? हमको आपके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो हम आपको बचाने के लिए दरवाजा खोलने गए, लेकिन जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाए वो जोर का झटका लगा हमको। ऐसे लगा जैसे कोई हमको उठाकर पटक दिया। कुछ समझ ही नहीं आया हमको कि आखिर हुआ क्या है। हमको कुछ समझ नहीं आया। बस हम सब यहाँ से एक बार निकल। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? वो बबलिया ही थी जो कर रही थी। खैर अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ स्वाति भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ स्वाति को। अरे हमारे दिमाग से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। एक के बाद एक करके सारी घटनाएं दिमाग में आई जा रही है कि सब हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। घर पहुंचते ही हम संतोषी माँ की पूजा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब पर और घर के कोने कोने में हम गंगा जल छिड़केंगे ताकि अगर कोई बुरा साया हो तो घर से दूर हो जाए। स्वाति जी, सावे जी, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों को यहाँ किसने बांधा? जाकर देखते हैं। सब सही कह रहे थे मतलब बबली? का मतलब मोहिनी वापस आ गई? कोई यहां से नहीं भागेगा तो एक एक को हम मार डालेंगे। मम्मी, इतने सारे लोगों में से तुझे सबसे पहले हमें मिले थे क्या मम्मी? अरे हमें नहीं देखती है तेरा क्या जाता भूती। ए भगवान बचा लो, ज़ूम इन करके बचा लो। ए बनी बनी मेरे भाई, ए बचाना मेरे को, बचा लेना यार। बनी सबसे पहले तू मुझे बचा। कोई गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा, सब अंदर रहेंगे। हम जाकर देखते हैं, हम बात करते हैं, क्या चाहिए उसे। नहीं इंद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। बात करने का कोई फायदा नहीं है उससे, पागल है, खतरनाक है बहुत, पता नहीं क्या कर देगी। स्वाति हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते ना, समस्या का सामना तो करना पड़ेगा। जाकर देखते हैं और तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे। नहीं इंद्रेश, समझ का ही नहीं रहे हो। बबली की दुश्मनी सिर्फ हमसे है, ये सब कुछ जो कर रही है वो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। इसलिए अगर कोई बाहर जाएगा तो वो सिर्फ हम हैं और कोई नहीं, हम जाएंगे। इंद्रेश, ये सब का वक्त नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे सामने। इससे पहले कि तुम सब में से किसी को नुकसान पहुंचाए हमें बाहर जाना होगा। स्वाति, इंद्रेश, कोई नहीं रोकेगा हमें, मैं मारी कसम। लो, करे कोई भरे कोई, इन लोगों का साथ देने के चक्कर में कहीं बबलिया हमको ही ना मार डाले। स्वाति तुम कहीं नहीं जाओगी,
हाँ स्वाति, तुम अकेले कहे जाओगी उसके सामने? अभी जाना ही होगा, यही सही तरीका है। हमारी वजह से आप सबकी जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए।